जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर 01/2023 बैच के बारे में, और जिसका रिजल्ट आ चुका है और अब होने वाला है आपका फेज टू। तो फेज टू के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको अभी से तैयार करवा लेना है, और आपने एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर लिया होगा, कोई भी फिर भी दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आपका फेज टू कब है, कहां पर है, जरूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा और अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में अच्छे तरीके से जानेंगे कि आपको फेज टू के टाइम में कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सेंटर पर यानी एयरमैन सिलेक्शन सेंटर पर एएससी पर लेकर जाना बहुत ही जरूरी है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बातों का आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है, यदि आप एक गलती करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी या वहां पर आपका रिजेक्शन हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपने फेज टू का एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर लिया होगा, यदि डाउनलोड नहीं किया है कोई फिर भी दिक्कत परेशानी है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स फेज सेकंड एडमिट कार्ड फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 01/2023। यहां पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, रॉ नंबर दिए गए हैं और स्ट्रीम यानी आपका यहाँ पर स्ट्रीम कौन से स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया वो दिया हुआ है, नेम ऑफ कैंडिडेट्स है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और डेट ऑफ टेस्टिंग। यहाँ पर आपकी डेट दी हुई मिलेगी आपको, जो भी आपकी डेट है 25, 26, 27 जो भी एक्स वाई जेड जो भी डेट है, यहाँ पर आपका फेज टू कब होने वाला ये डेट, ये जो आपका डेट है यहाँ पर मिल जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान देना है, 5 AM दे रखा है यानी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का जो समय है 5 AM, सुबह सबसे पहले आपको अपने सेंटर पर जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाना, और सिलेक्शन सेंटर है वो 1 ASC अंबाला है, क्योंकि इस बार 7 सेंटर पर आपका जो है होने वाला, जो कि आपको पहले जब ऑनलाइन एप्लीकेशन था तब आपको फिलअप करवाए गए थे और लास्ट टाइम में भी 7 सेंटर पर ही हुआ था, ठीक है। तो यहां पर एड्रेस दे रखा है 1 ASC 48 जो यहां पर रोड है अंबाला कैंट हरियाणा के अंदर आपका जो होने वाला है, जो कैंडिडेट्स का है। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैंने हाइड कर दिया यहां पर, यहां पर आपको आधार नंबर दिया हुआ मिलेगा, जो भी आपने अप्लाई किया था ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी, यहां पर हॉल टिकट है, उसके बाद में रॉ नंबर आपको यहां पर कुछ नहीं लिखना है, और जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं वो ओनली फॉर ओनली साइंस सब्जेक्ट में, यदि दोनों में पास हैं तो आपके एडमिट कार्ड में दोनों जो तरीके लिखे हुए होंगे यहां पर साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो वो टेंशन नहीं लेना है। यहां पर आपकी फोटो होगी और इस प्रकार की ही फोटो आपको यहां पर लगेगी तो वो आपको बता देंगे। यहां पर आपका चेस्ट नंबर दिया हुआ है और यहां पर जो डिटेल्स है आपको मे भी अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम, जो भी है आपकी जो पर्सनल डिटेल है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब आपको मिलान कर लेना है आपके जो फेज वन के एडमिट कार्ड से, के बाद में आगे की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इस वाले कॉलम में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स और यहां पर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपका लगेगा कैंडिडेट्स का, यहां पर आपको चेस्ट नंबर ही दिए गए हैं, तो ये वाला कॉलम में तो आपको कुछ नहीं करना है। 3 वाले में यहां पर जो सिग्नेचर है और लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है आपको बोला जाएगा, तभी वहां पर सेंटर पर जाने के बाद में ही आपको जो अपना ये प्रोसेस करना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ भी नहीं करना है, डिटेल्स ऑफ फिजिकल फिटनेस टेस्ट और वेरिफिकेशन, इस वाले कॉलम में आपको पहले कुछ भी नहीं करना है जब तक आपको कुछ ना कहा जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपकी डिटेल्स है, नॉट क्वालिफाइड, डिस्क्वालिफाइड, पुशअप, सीटअप, स्केट्स, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं आपको यहां पर दी हुई है बारीकी से, और यहां पर जो इंफॉर्मेशन है यहां पर सभी जगह आपके कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होंगे, लेकिन आपको जब तक ना कहा जाए तो अपने घर से ऐसा कुछ भी आपको फिलअप करके या साइन करके नहीं लेकर जाना है। दोस्तों आपका फेज टू ऑफलाइन बैच जिसको आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको ये नंबर दिए गए हैं, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से ले लेनी है, और आपका ऑफलाइन बैच गारंटेड बैच है, तो जल्द से जल्द आज ही आप अपना जो है गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए या इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना इंफॉर्मेशन है वो यानी अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, और पहले आएंगे तो पहले ही सीट मिलेगी, लिमिटेड सीट है। जो भी कैंडिडेट्स आना चाहिए अनुभवी टीम के द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल हो चाहे आपका GD हो, SRT हो, सभी की
अच्छे तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स अपना फेज टू अच्छे से करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है ये फेज टू के अंदर, तो ऑफलाइन बैच के अंदर आ जाना है। जयपुर के अंदर आपकी लोकेशन रहेगी। तो सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट क्यूरी यानी आपका कोई पर्सन है तो इस नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। जो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, दिशा निर्देश जो दिए गए हैं, उनको अच्छे से जान लेना। यदि एक भी गलती की तो आप फिर वहां पर पछताओगे और आपका पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पर नंबर वन पॉइंट यानी जो दिया गया है एक नंबर पॉइंट, तो सभी कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको जो आपका लेकर जाना है, नंबर वन मैं बात कर रहा हूं, अच्छे से सुन लेना इस चीज को। फेज सेकंड का एडमिट कार्ड होगा, ठीक है, फेज सेकंड का एडमिट कार्ड होगा और वो भी रंगीन एडमिट कार्ड होगा, और आपका फेज वन का भी एडमिट कार्ड होगा। जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था तो मैंने आपको बोला था कि इसको फेंकना नहीं है कहीं पर भी, तो वो आपको साथ लेकर जाना होगा, जो कि आपके ऑफिसर ने वहां पर एग्जामिनेशन के टाइम में वेरीफाइड किया था, तो वो उस बात का विशेष नोट कर लेना, ठीक। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कलर प्रिंट आउट ऑफ, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था यानी आपने जब एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई किया था वो आपको लेकर जाना है, उसका प्रिंट जो कि रंगीन होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसमें पेमेंट जो स्टेटस है आपका, पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल है वो, यानी उसका पूरा का पूरा जो प्रिंट है आपका एप्लीकेशन का वो आपको लेकर जाना है, रंगीन प्रिंट आउट और स्टेटस सक्सेसफुल होना चाहिए पेमेंट का, ये बात नोट कर लेना। सी पॉइंट में लिखा हुआ है विशेष तरीके से नोट करना, यहां पर है एसबी पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर एंड ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट आपको लेकर जाना है, और पेन आपके पास होना चाहिए या तो ब्लैक या ब्लू, ये चीजें आप अपनी खुद की लेकर जाना। फेज टू में आपको दिक्कत परेशानी होगी क्योंकि ये चीजें आपको फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे यानी वहां पर आपसे फॉर्म फिलअप करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपका वहां पर क्या होगा, एसआरटी होगा, तो वो हर चीजों में जो चीजें काम आने वाली आपकी फोटो वगैरह चिपकाई जाएंगी, तो आपको बार बार से इधर उधर से दूसरे कैंडिडेट से ये चीजें नहीं मांगनी है, वो चीजें खुद की होनी चाहिए। तो ये यहां पर जो लिखा हुआ है ना, सारी की सारी चीजें साथ में लेकर जाना, वहां पर गाली सुनने को मिलेगी फिर यदि खुद के लेकर नहीं जाओगे तो। उसके बाद में डी पॉइंट में लिखा हुआ है 10 copies ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट, यानी आपने जो आपकी फोटो है जो आपने फॉर्म में अप्लाई की थी, ठीक है, फॉर्म में जो फोटो लगाई थी वही 10 फोटो आपको अनअटेस्टेड यानी उसके ऊपर कुछ सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है, वो ओरिजिनल सेम की सेम 10 फोटो आपको लेकर जानी है जो कि रंगीन होनी चाहिए। उसके बाद में पॉइंट में लिखा हुआ है ओरिजिनल एंड फोर सेल्फ अटेस्टेड, यहां पर आपको क्या करना है, देखिए दसवीं की मैं सीधी बात आपको बता देता हूं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में आपको नहीं आना है। यदि जिस भी कैंडिडेट्स के पास दसवीं की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, बारहवीं का जो सर्टिफिकेट हो गया पासिंग सर्टिफिकेट, ओके, और उसके साथ साथ मार्कशीट, तो ये चार पॉइंट बन गए। अब जिस भी कैंडिडेट्स का अलग अलग यानी पासिंग सर्टिफिकेट अलग से आता है और जो आपका मार्कशीट है वो अलग से आता है, तो दोनों चीजें लेकर जानी है और उन दोनों चीजों की फोटोकॉपी भी साथ में लेकर जानी है। यानी सभी का अलग अलग आता है तब तो आपके पास चार हो गए, यानी दसवीं की मार्कशीट, दसवीं का जो पासिंग सर्टिफिकेट, बारहवीं की मार्कशीट और बारहवीं का पासिंग सर्टिफिकेट, तो उन सभी की आपको चार चार फोटोकॉपी। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कम से कम 10 फोटोकॉपीज होनी चाहिए ताकि वहां पर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपको कोई परेशानी का सामना वहां पर आपको सेंटर पर नहीं करना पड़ेगा। तो यह बात विशेष तरीके से नोट कर लेना। एफ पॉइंट हो गया, वही सेम चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से जी में लिखा हुआ है और एच में भी सेम वही लिखा हुआ है। यदि आपके पास कोई हाईएस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, कोई हाईएस्ट जो भी डिप्लोमा डिग्री है, तो उसका भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको साथ में लेकर जाना है। और यहां पर यदि आपके पास कोई भी जो आपका लिखा हुआ है कोई कोर्स है, ठीक है, जिस तरीके से आपका कोई अलग तरीके का कोर्स आपने कर रखा है, स्ट्रीम में अप्लाई किया है एक्स ग्रुप में या वाई ग्रुप में, तो वो भी आप अपना लेकर जाना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद में लिखा हुआ है यहां पर आप अच्छे तरीके से देखेंगे, यहां पर यदि कोई भी कैंडिडेट जिसके जो माता पिता एयरफोर्स में है तो वो COAFE यहां पर लिखा हुआ है, आपको लेकर जाना है और आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो पूछ लेना, तो वो आपको फिलअप करना है, इसमें विशेष तरीके से नोट करेंगे। के नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है यहां पर कोई भी कैंडिडेट किसी भी फोर्स से
यानी किसी भी जो यहां पर लिखा हुआ है नेवी आर्मी एयरफोर्स गवर्नमेंट जो भी आपकी सेना की जो भर्ती है किसी से आपका जो है रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी उससे परमानेंट उसका रिजेक्शन डिस्चार्ज नहीं किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी आपको। और उसके बाद में विशेष पॉइंट लिखा हुआ है इसके अंदर ओरिजिनल एंड फोर, ये देखिएगा एनसीसी की बात कर लेते हैं, एनसीसी के तीन सर्टिफिकेट होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तो उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब अभी आप लेकर जा रहे हैं फेज टू के अंदर, ओरिजिनल होना चाहिए, चार आपके पास उसकी फोटोकॉपीज यानी जीरोक्स आपके पास होनी चाहिए। तो ये विशेष नोट कर लेना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं ओरिजिनल प्लस उसकी जीरोक्स यानी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास किसी भी कैंडिडेट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो लेकर जाना। उसके बाद में लिखा हुआ है, ये चीजें मैंने आपको बता दी है, इसमें कंफ्यूजन मत होना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका लिखा हुआ है यहां पर बारहवीं का जो एडमिट कार्ड है, अब किसी कैंडिडेट के पास है तो ले जाना, वरना नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और फिर कॉमेंट करने लग जाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में लिखा हुआ है नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये सभी कैंडिडेट्स को फिलअप करना है, इसमें पेरेंट्स वगैरह के सिग्नेचर हैं तो वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में आपके पास यदि आपका टैटू सर्टिफिकेट भी इसमें दे रखा है, यदि आपने कहीं पर भी टैटू करवा रखा है बॉडी पर, तो उसकी फोटो आपको रंगीन फोटो लेकर जानी होगी, यानी उसका कैमरामैन से फोटो खिंचवाकर उसका रंगीन प्रिंट एयरफोर्स को देना होगा, और जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी कि कहां पर बॉडी के कौन से पार्ट पर कितनी साइज का टैटू बना हुआ है, वो सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन है वो लिखनी होगी। के बाद में है कंसेंट फॉर्म, तो वो आपको फिलअप करना है, यदि आपकी एज 18 वर्ष से 18 ईयर से कम है तभी आपको फिलअप करना है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से वहां पर है लिख देनी है, यहां पर मैंने अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद में यहां पर लिखा हुआ है कोई विशेष सर्टिफिकेट है, यानी कंप्यूटर का हो या फिर कोई मेडिकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपको डिप्लोमा या डिग्री कोई आपने ले रखा है, तो उसका स्किल आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना, या स्पोर्ट्स यानी किसी भी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहां पर नोट लगाकर लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा और ये निश्चित तौर पर आप वहां पर लेकर जाना ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी। ऑफिसर को इसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी, उनको नोट करवा देना मेरे पास ये एक्स्ट्रा, यानी मैंने एडवांस में ये कोर्स कर रखा है या मेरे को इसमें अनुभव है, ये मेरा सर्टिफिकेट है। दूसरा नंबर पॉइंट है उसमें वही चीजें लिखी हुई है, आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है, विशेष तरीके से नोट करेंगे, ओरिजिनल आईडी के तौर पर यही यूज करना है। उसके बाद में कोई कैंडिडेट्स एयरफोर्स से जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ होना चाहिए किसी भी तरीके से। उसके बाद में ये सब चीजें लिखी हुई है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, और आपको यहां पर विशेष तरीके से ध्यान में रखना है जो भी कैंडिडेट्स यहां पर जा रहे हैं तो आपकी एग्जाम डेट या जो भी आपका प्रोसेस है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, जो आपको दिया गया है उसी टाइम पर उसी डेट को पहुंचना है जो भी आपका सेंटर है, यानी कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एडमिट कार्ड वगैरह में सब कोई चीजें यानी किसी भी प्रकार की आपकी कोई गलती पाई जाती है तो आपको वहां से आउट कर दिया जाए, सम्मान होनी चाहिए, तो मे भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर जो चीजें दी गई है, आपको जो है रनिंग के लिए आपको जूते लेकर जाने हैं, ठीक है, रनिंग के लिए जूते लेकर जाने हैं, और आपको हाफ पैंट लेकर जाना है जिसके ज्यादा पॉकेट नहीं होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, वो आपको लेकर जाना है। रनिंग के लिए शूज बहुत ही जरूरी है, यहां पर सब चीजें लिखी हुई है, नोट कर लेना, मैंने अच्छे से पढ़ ली है, आपको पढ़ना जरूरी है। और मेरिट लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, आपने दोनों स्ट्रीम आपके पास है यानी एक्स एंड वाई ग्रुप साइंस सब्जेक्ट या अदर देन साइंस सब्जेक्ट, तो आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें एक में ही नंबर आएगा, तो एयरफोर्स डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिल रही है, यानी जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस है वही आपको मिल जाएगी। हम ये बात कर लेते हैं गाइस, आपके यहां पर नो रिस्क सर्टिफिकेट यहां पर इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, तो यहां पर आपका नेम है लिखा हुआ है, पहले से प्रिंट है, सन या डॉटर ऑफ यानी आपका यहां पर जो भी है, सन है तो सन पे क्लिक कर देना, डॉटर है तो डॉटर पे क्लिक कर देना। उसके बाद में आपका जो गार्जियन का नेम, रोल नंबर आपका यहां पर पहले से लिखा हुआ है, मैंने पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो हाइड कर दी है, और इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स दे रखा है, सिग्नेचर कर देना। प्लेस जहां पर आपका सेंटर है यानी जहां पर जिस जगह आपका 7 सेंटर दिए गए हैं, तो जहां पर भी आपका फेज टू हो रहा है वही सेंटर आपको लिखना है, डेट आपको वही लिखनी है जिस दिन आपका फेज टू हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका नो रिस्क सर्टिफिकेट, आराम से फिलअप कर लेना,
गलती मत करना, इन चीजों के आप जो प्रिंट है एक से दो यानी एक्स्ट्रा में ले जाना, अलग अलग प्रिंट निकलवा लेना इसका, ठीक है, नो रिस्क सर्टिफिकेट का एक अलग, और उसके बाद में यहां से कटिंग नहीं करना है। यहां पर लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन विद नेम, तो आपका नेम भी लिखना है और सिग्नेचर भी करना है, यानी यहां पर आपका एक्स वाई जेड नाम है और आपका सिग्नेचर है एक्स वाई जेड, तो यहां पर सिग्नेचर और नाम यहां पर लिख देना है अच्छे तरीके से। यहां पर कटिंग नहीं करनी है, उस प्रिंटर प्रिंट जहां से निकलवा रहे हैं उसको बोल देना एक पेज पर एक ही आना चाहिए। बात कर लेते हैं यहां पर आपका बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है, तो यहां पर यदि आपने बॉडी पर कहीं पर टैटू बनवा रखा है बॉडी पर किसी भी पार्ट पर, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। यहां पर आपके रोल नंबर पहले से फिलअप है, नेम यहां पर लिखा हुआ है, सन या डॉटर जो भी आप हैं यानी मेल एंड फीमेल के लिए यूज हो रहा है, तो यहां पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी यानी आपका फादर या मदर नेम कौन सा आपने फिलअप किया, उस पर टिक कर देना यहां पर जो फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद में ये आप फिलअप कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद में सेकंड और लगाकर लिखा हुआ है, सेम वही प्रोसेस है, रोल नंबर नेम आपका यहां पर सन डॉटर क्लिक कर देना, जो भी है फादर या मदर कौन से का आपने नाम फिलअप किया है वो चीजें आपको नोट करनी होगी। उसके बाद में टाइप ऑफ टैटू, किस टाइप का आपका टैटू है वो इंफॉर्मेशन देनी है। लोकेशन ऑन बॉडी यानी बॉडी के कौन से पार्ट पर है, किस जगह पर बना हुआ है, और साइज क्या है मैंने आपको बताया था, सब चीजें आपको यहां पर लिखनी होगी। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स, यहां पर आपको सिग्नेचर है वो करना होगा। प्लेस और डेट आपको लिख देनी है। आपने लिखा हुआ है कंसेंट फॉर्म फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट, तो यहां पर ये जो कैंडिडेट्स हैं 18 ईयर से यदि कम है तभी आपको फिलअप करना है, तो आप टेंशन ना ले। यहां पर आपका नेम लिखा हुआ मिलेगा पहले से, और उसके बाद में यहां पर सन और डॉटर ऑफ जो भी है, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, और फादर मदर गार्जियन जो भी आप अपना नेम लिख दीजिएगा, उसके बाद में कुछ भी नहीं करना है। और सेकेंड वाले में लिखा हुआ है आई, यहां पर आपको ध्यान देना है अच्छे तरीके से, यहां पर आपका पहले गार्जियन का नेम आएगा यानी फादर या मदर जो भी है, यहां पर कैंडिडेट्स का नेम लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखी हुई है ऑटोमेटिकली, प्लेस और डेट आपको लिखनी होगी, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स, और उसके बाद में पेरेंट्स या गार्जियन क्या है, रिलेशन विद कैंडिडेट्स, नेम ऑफ, यानी आपको विशेष तरीके से नोट करना है, कोई भी चीजें गलत तरीके से इनपुट नहीं करनी। यदि समझ में नहीं आता है तो वहां पर पूछ लेना, कैंडिडेट्स का 27 को है, यहां पर डेट दी हुई है, चेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा। यानी आपको कोई चीजें समझ में नहीं आती है तो आप वहां पर दो की बजाय तीन बार पूछ सकते हैं, लेकिन गलती मत करना, मेरा यही कहना है। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाने हैं, और जो चीजें मैंने बता दी अच्छे तरीके से, और मे भी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, फेस टू का एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर लिया है, कहां पर सेंटर है, किस तरीके की तैयारी है, जरूर आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दीजिएगा, और जुड़ जाइए आप डिफेंस चैंपियन यूट्यूब परिवार के साथ। बहुत ही शानदार तरीके से आपका ऑफलाइन बैच भी रन कर रहा है, तो आपका फेज टू ऑफलाइन बैच जिसको आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको ये नंबर दिए गए हैं, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन आपको यहां से ले लेनी है, और आपका ऑफलाइन बैच गारंटेड बैच है, तो जल्द से जल्द आज ही आप अपना जो है गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिए, या इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपना इंफॉर्मेशन है वो यानी अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, चैनल से जुड़ जाइए, अच्छे से अच्छे तरीके से आपको और गाइडेंस किया जाएगा, जीडी के टॉपिक हो या फिर एसआरटी के क्वेश्चन हो या फिर अलग तरीके की बात करें, यानी कहां पर कैसे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, तो आपको सारी जानकारी आगे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत कीजिए, जिनका फेज टू के लिए सिलेक्शन हुआ है हिम्मत मत हारना, क्योंकि यहां पर काफी कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, तो अभी से अपनी हिम्मत है और जो जुनून है उसको लगा दो ताकि आपका फेज टू में अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ रहे।